हेलो दोस्तों, मैं रुद्र आर एस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको बताए, राजस्थान में जो भी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट अब ट्विटर वार का सहारा ले रहे हैं। ट्विटर मार और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते हुए स्टूडेंट धरना प्रदर्शन या फिर कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है उनका सोशल मीडिया ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 उसमें 1600 पदों को भरवाने के लिए लगभग यहाँ पर हजारों की तादाद में स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं ताकि सरकार के पास ये बात पहुँच सके। और इसमें जो कांस्टेबल भर्ती 2018 में उसमें लगभग 1600 पद खाली है, तो उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, इसको लेकर के स्टूडेंटों ने मुहिम छोड़ रखी। और कई मंत्री और विधायक भी इस मुहिम में साथ दे चुके हैं, जैसा कि बेक लोक वाले स्टूडेंट है, LDC ज्वाइनिंग वाले स्टूडेंट है, इनका भी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी ज्वाइनिंग का काम हुआ है। तो इसको लेकर के ही अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 वाले स्टूडेंट भी इसको लेकर के बड़े स्तर पर मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेबल लगभग 2 साल हो चुके हैं। यहाँ पर डेली दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, जी न्यूज और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर इसको लेकर के रोज डेली खबर आती है। यह देख सकते हैं आप कांस्टेबल के 1600 पदों की भर्ती, 1.5 साल से अधूरी, SI के 511 पदों पर इंटरव्यू, 1 साल से भी नहीं करा पाए। इस प्रकार से यहाँ पर खबरें दिन रात छपती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंटों की मांग, खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन अभियान चला रहे स्टूडेंट, जिसमें लगभग 1600 पदों को जल्द से जल्द भरवाने के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर डेली आते हैं पुलिस में रिक्त पदों पर नियुक्ति की आस में बैठे हैं सैकड़ों अभ्यर्थी। ये भी कांस्टेबल भर्ती 2018 के जो 1600 पद खाली है उसको लेकर के जुड़ी हुई खबरें। उसके अलावा DP के न्यूज वाले बता चुके हैं पुलिस भर्ती 2018 पूरा करे सरकार, युवाओं को सरकार से है उम्मीद। उसी प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट इसको लेकर के पहले स्ट्राइक भी कर चुके हैं पुलिस भर्ती 2018 में रिक्त पदों को भरने के लिए, ताकि स्टूडेंट अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी सेवा है कोरोना महामारी के चलते हुए दे सके। उसके अलावा स्टूडेंट ये भी मांग कर रहे हैं, स्टूडेंटों ने यहाँ तक कह दिया कि लगभग 2 से 3 साल का जो भी वेतन हम सरकार को देने के लिए तैयार है, ताकि कोरोना महामारी से हमारी जो राजस्थान सरकार है वो लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार इसको लेकर के कोई फैसला नहीं किया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सुमित गोदारा जी जो कि विधायक है लुणेकसर, वो भी 28/4/2020 को इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये पत्र लिख चुके। उसी प्रकार से यहाँ पर मीम भी दिन रात बनते जा रहे हैं, मुझे भर्ती कर लो पुलिस भर्ती 2018 में, कोरोना से 1 वर्ष तक बिना वेतन लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ साहब। यहाँ पर स्टूडेंट कह रहे कि बिना वेतन के मैं 1 साल तक रह लूँगा, लेकिन मुझे ले लो। उसी प्रकार से यहाँ पर ललित यादव जी है जो कि मतलब प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के, अलवर के, राजस्थान के, उन्होंने ही पुलिस भर्ती 2018 में 1600 पदों की ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर पत्र लिखा है। उसी प्रकार से कुंवर विश्वेंद्र सिंह जो कि मतलब मंत्री है राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार के, उन्होंने भी इसको लेकर के पत्र लिख चुका है। उसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, बहुत सारे मंत्री विधायक इसको लेकर के सरकार को पत्र लिख चुके हैं। यहाँ पर साफ, किसान के बच्चे नियुक्ति दे दीजिए, दुखी तो हम जन्म से ही, थोड़ी खुशियाँ दे दीजिए ना पुलिस भर्ती 2018 के स्टूडेंट को। इस प्रकार से भावनात्मक प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से हरीश मीणा जो कि IPS रह चुके हैं, उसके अलावा विधायक देवली उनियारा, उन्होंने भी कांस्टेबल भर्ती 2018 में 1600 पदों को जुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पत्र लिख चुके। उसके अलावा दैनिक भास्कर में आप देख सकते 12 मई 2020 को लेकर इसको लेकर के खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें पुलिस भर्ती 2018 में 1600 पदों पर नियुक्ति की मांग की गई है, ताकि स्टूडेंट COVID-19 से जारी लड़ सके, परिणाम जारी करे, चयनितों को नियुक्ति दे। ये देख सकते हैं दैनिक भास्कर नागौर में ये खबर प्रकाशित हो चुकी है। उसी प्रकार से यहाँ पर कांस्टेबल के 1600 पदों की भर्ती, इस प्रकार यहाँ पर मुरारी लाल मीणा जी जो कि विधायक के दोस्त हैं, कि वो भी इसको लेकर के पत्र लिख चुके हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इतने मंत्री और विधायक इसको लेकर के पत्र लिख चुके हैं। उसके अलावा दिन रात यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जी न्यूज राजस्थान सभी को, और उसके अलावा ट्विटर वार के माध्यम से स्टूडेंट अपनी मांग उठा रहे हैं और इनका पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है मंत्री और विधायकों का, चाहे वो BJP सरकार के मंत्री या विधायक हो, बसपा के हो या फिर उसके अलावा कोई भी हो, यहाँ पर सभी इसको लेकर के मतलब स्टूडेंटों के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो कांस्टेबल भर्ती 2018 के 1600 पद जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को खुशियाँ मिल सके, 1600 परिवार तक इस बात को पहुँच सके दोस्तों जल्दी। तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कांस्टेबल भर्ती 2018 में जो 1600 पदों की मांगे, हम भी हमारा थोड़ा सा साथ आपको साथ दे सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।